हम सब लोगों के एक ही दायित्व है, हम अपने विधानसभा से हम लोग चुन के आए और जनता ने हम सबको चुना है, चाहे पक्ष के लोगों को भी चुना है विपक्ष के लोगों को भी चुना है। जैसे मैंने वहां कहा कि सरकार का काम है सरकार चलाना और निर्णय करना, विपक्ष का काम है कि वह उसमें से उनका ध्यान आकर्षित करे, मुद्दों को अपनी बात कहे, इसलिए सबको बराबर सार्थक बहस हो। ये आज मैंने सदन में भी कहा है और अभी आपके सामने दोहरा रहा हूं कि सबके अपेक्षा है सब अपनी मर्यादाओं नियमों और परंपराओं के पालन करने में सहयोग करें, ऐसी कोई भी परिस्थिति न बनने दें जिससे अध्यक्ष को कोई कठोर निर्णय करने के लिए बाध्य होना पड़े। और साथ में मैंने सदस्यों भी अपील की है कि वे अध्ययन करें, लाइब्रेरी जाएं, और साथ में पहले दिन से आग्रह किया है कि नियम 269 पढ़ करके आए। 269 की बहुत बड़ी, उसमें 10-12 बिंदु हैं, जिनको पढ़ लेंगे उसका पालन सदन में करेंगे तो मैं समझता हूं किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी। मुद्दे को, सब मुद्दों को उठाइए, संक्षेप में उठाइए, उसे रिपीट मत करिए, सदन को सहयोग करिए, क्यों आखिर सदन की सीमाएं होती हैं और सदस्यों के पास बहुत सारे अपार मुद्दे कहने के लिए होते हैं, उसको किस प्रकार से संक्षेप में कह करके कहा जाए। कुछ नई बातें भी, जैसे आज मैंने पहली बार आपके कैमरामैन को जो मेन गेट से बाहर थे उनको आज अंदर आने की मैंने अनुमति दे दी, पहला ही काम आपसे बिना कहे वो आज मैंने किया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, शुक्रिया। और दूसरी बात जो मुझे कही गई है, निश्चित रूप से सारे पत्रकारों के मैं DPR से मंगवा करके जो भी उसके लिए नियमों के अंतर्गत आएंगे उस संख्या को भी बढ़ाएंगे ताकि आप सब लोगों को भी यहाँ पे रिपोर्टिंग करने का अवसर मिले। हालांकि सभी की संख्या तो बहुत बड़ी है, मुझे जितनी बताई गई 600 लोग की बड़ी सूची है, ये तो कभी किसी भी अध्यक्ष के लिए संभव होगा नहीं, लेकिन उसमें से अपन एक सिस्टम बना करके तय करेंगे, उसके कारण आपको वह भी अनुमति मिले और समय पर आपको सब चीजों की जानकारी मिले, इसका भी अपन प्रयास करेंगे। और आपसे भी अपील करूंगा सकारात्मक चीजों को अधिक हाईलाइट करें, आपको स्वतंत्रता है, आप दोनों बातों को करते हैं, लेकिन कई बार मुद्दों की दृष्टि से सकारात्मक बातें तो पीछे रह जाती हैं और कुछ ऐसे मुद्दे जो मिर्च मसाले से जुड़ी हुई होती हैं उनको, चूंकि मैं भी पिछले 50 साल से मीडिया से जुड़ा रहा हूं, 30 साल विद्यार्थी परिषद का दायित्व था उस नाते मीडिया से मुखालिफ होता था, 20 साल से राजनीति में हूं तो आप सबसे मिलता रहता हूं, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप बहुत हैं चौथे स्तंभ में और आप सबका सहयोग के बिना निश्चित रूप से आगे नहीं बढ़ा सकता, लेकिन हम सबका उद्देश्य एक है, राजस्थान का विकास। और आज मुझे कहते बड़ा नया जो लोकतंत्र के अंदर जो नए परिवर्तन आ रहे हैं, जैसे आपको मैंने बताया किस तरह से राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला बनी है, गरीब घर से चाय बेचने वाले हमारे प्रधानमंत्री लेवल तक पहुंचे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी भी एक गरीब परिवार से आते हैं, और मैंने भी कभी स्वप्न में नहीं सोचा था कि मैं इस पद पे रहूंगा। एक गरीब घर में पैदा हुआ था, घर पे लाइट नहीं थी, उस समय 10वीं की परीक्षा मैंने दी है, सुभाष उद्यान के अजमेर बगीचे के नीचे लाइट स्ट्रीट लाइट के बीचे पड़ी है, तो उस गरीबी को मैंने देखा है, इसलिए वह गरीबी को दूर करने के लिए यह सदन अपनी सक्रिय भूमिका अदा करे। तो हमने तो बंटवारा भी देखा, गरीबी भी देखी, और संयोग से कॉलेज में पढ़ाते हुए प्रिंसिपल रहते हुए भी कई अनुभव आए, पक्ष में भी 10 साल रहा, विपक्ष में 10 साल रहा, इसलिए मुझे अच्छी तरह ध्यान है क्या क्या मीडिया की बातें हैं, क्या क्या पक्ष की बातें हैं, विपक्ष की बातें हैं, लेकिन मर्यादा और नियमों का पालन तो मैं सबसे निवेदन करूंगा, सबसे अपेक्षा है कि उसके बिना फिर सदन टाइम में सारे मुद्दों को नहीं ले सकता, और प्रश्नकाल होता है, दूसरे कई मुद्दे हैं, अभी कई सदस्यों ने कहा कि पर्ची का भी अनुमति दी जाए, ऐसे कई मुद्दे हैं जिसे बहुत जल्दी हम मिल करके निर्णय करके, लेकिन नए नए आयाम स्थापित हो, डिजिटल की ओर हम लोग बढ़े, सदस्यों को और हम डिजिटल के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं वो करें, तो निश्चित रूप से हर सदस्य भी आगत होगा, और जो नए सदस्य आए इसके लिए बहुत जल्दी 2 दिन का एक वर्कशॉप हम करने की सोच रहे हैं ताकि उनको सारे नियमों से अवगत कराया जा सके और हम सब लोग मिलकर के इस सदन को अच्छे ढंग से चलाएं। पुराने लोगों से भी अपील करूंगा कि हम नयों के लिए एक अच्छा उनके लिए वातावरण हम बनाए रखें ताकि उनसे वो सीख सके, ताकि पुराने जिस प्रकार करते हैं नयों का भी उस प्रकार से ढलने के मौका मिलता है, नए पुराने दोनों हम सब लोग और सदन का अध्यक्ष भी आप सब लोग भी मिल करके सदन को अच्छी तरह से चलाएं, और ताकि यह सदन जो पूरे देश भर में
इसका बहुत ही गरिमामय इतिहास रहा है। और मैं आज पढ़ा था पुराने कौन कौन अध्यक्ष रहे, ऐसे मेरे से पहले 16 विधानसभा के अध्यक्ष रहे, ये 16 विधानसभा नहीं इस बार में 2 रहे, तो कुल मिलाकर के मैं 17वां अध्यक्ष का दायित्व तो मुझे मिला है। तो उन्होंने अपने अपने समय पे बहुत ही अच्छे गरिमा में वहां पे निर्णय किए हैं, परंपराएं डाली हैं, उन सारी परंपराओं का पालन करते हुए उसमें भी कुछ अच्छी चीजें और जोड़ते हुए नए आयाम हम लोग स्थापित करेंगे और एक विकसित राजस्थान की ओर हम कदम बढ़ाएंगे। जिस ढंग से देश आगे बढ़ रहा है उसमें राजस्थान की भी सहभागिता पूरी हो, इसका हम लोग प्रयास करेंगे, ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूँ। बीपी सरकार ने कई बार सदन हंगामे की भेंट चढ़ाया, इस बार क्या कुछ अनुशासन का कुछ कठोर कोई नया नजीर पेश करने की इस बार तैयारी है आपको लगता है? देखो मैं कोशिश करूंगा कि पहले तो पहली स्थिति वैसे नहीं बने, और मान लो किसी कारण से बन जाती है तो तुरंत उनसे संवाद करके उस स्टेलमेट को समाधान किया जाए। क्यों हमेशा चाहे कितने दिन भी आप बातचीत मत करो, अंत में समाधान तो बातचीत से होता है, उस बातचीत की प्रतीक्षा और लंबा क्यों खींचा जाए, उसको तुरंत बातचीत करके उस मुद्दे को सुलझाया जाए, इसका प्रयास करूंगा। सर कुछ सदस्यों में ये भी आशंका 10 साल विपक्ष में आप रहे थे, 10 साल सत्ता पक्ष में, कहीं विपक्ष वाले उस हिसाब से काम ना हो जाए, वो डर रहे थे, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कोई भी डरे नहीं, मैंने सदन में भी कहा कि मेरे लिए इस कुर्सी पर आने के बाद मैं सबके लिए बराबर हूँ और सबके साथ, लेकिन नियमों का कठोरता से पालन करवाऊंगा, ये भले आप नोट भी कर लें भले बता भी लें, लेकिन मैं अपने टीचिंग कॉल में भी सबसे ज्यादा कठोर प्रिंसिपल भी माना जाता था और शिक्षक भी माना जाता था, और उस प्रकार की कठोरता नियमों के पालन में, बाकी मैं एज ए ह्यूमन बींग ऑल आर माई कलीग्स सबके साथ मिलकर करूंगा। अब तक जो जानकारी आई कि सदन के साधारणतः 29 दिन 30 दिन ही सदन चलता है, कोशिश करूंगा कि इनमें दिनों की वृद्धि हो, और कम से कम मेरा पहला टारगेट रहेगा कम से कम 40 दिन तो हम इस बार चलाने का प्रयास करें। कोशिश तो ये करेंगे जैसे केरल का आदर्श अवस्था है, लेकिन एकदम से बढ़ाने की तुलना में कुछ दिन इस बार अधिक चले और उसे बहस भी सार्थक हो, लेकिन ये डिपेंड करता है दोनों आपने पक्ष और विपक्ष पे। अपील उनसे भी करूंगा कि यदि सदन लंबे समय तक चलाना चाह रहे हो, अच्छा चलाना चाह रहे हो, तो अपन सबका सहयोग से एक दूसरे में, मैंने कहा ना डिस्कशन भी होंगे, डिसेंट भी होंगे, डिबेट भी होगी, लेकिन उन सब का परिणाम तक ले जाने का हम लोग कोशिश करें। ऐसा कई नवाचार देखने को मिले, कई कॉन्फ्रेंस व्याख्यान हुए, क्या वो भी कंटिन्यू? निश्चित रूप से उससे और उसमें और ज्यादा वृद्धि होगी। जैसे सीपीए को हमारे पुराने प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत उसको सक्रिय किया, वो बहुत ही अच्छा लगा, वह सीपीए भी सक्रिय हो, अन्य भी जिस प्रकार से और कोई मंच है वह भी यहाँ पे सक्रिय हो, अधिक से अधिक लोग इस विधानसभा में आए, यहाँ का अच्छा मैसेज लेके जाए। भारत में राजस्थान की विधानसभा सबसे श्रेष्ठ विधानसभा के रूप में आगे आए, इसका हम लोग मिलकर के प्रयत्न करेंगे। अध्यक्ष जी आपने निष्पक्षता की बात कही, हालांकि कई बार विधानसभा अध्यक्ष जो पूर्ववर्ती रहे वो अपनी पार्टी से इस्तीफा देते हैं, इसके लिए पिछले अध्यक्ष जी जो थे सीपी जी उन्होंने नहीं दिया था, क्या आप ऐसा कोई प्रयास करेंगे? मैं नियमों को देखूंगा, यदि नियमों में आता है तो मैं निश्चित रूप से दे दूंगा, बाकी मूलतः मेरी भी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब इस कुर्सी पे आए हम बिना किसी पार्टी के अंग बने इसका मैं निर्वहन करूं। अध्यक्ष जी इस बार अपोजिशन को माना जा रहा है, बहुत ही चुनौती वाले लीडर ने चुनाव जीत करके आए, 69 एमएलए, ऐसी सूरत में पैंडेमोनियम ना हो, रखता सिचुएशन पैदा ना हो, इसके लिए मैंने कहा कि ऐसा नहीं, पहले भी 71 विपक्ष में थे, आज 69 है, सब हमेशा विपक्ष अच्छा और मजबूत है, 69 और 71 एक तरह बराबर रहता है, और दोनों पक्षों में अच्छे लोग जो पार्लियामेंट्रियन है दोनों पक्ष में जीत करके आए हैं, वे पार्लियामेंट्रियन राजस्थान के विकास में बहस में अपने मुद्दे उठाने के लिए आगे आए, इसलिए मैंने कहा गवर्नमेंट को अपना काम करना होता है, पालन करवाना होता है, विपक्ष को उसमें अपनी बात कहने का पूरा अवसर मिले और मुद्दों पे सत्ता पक्ष भी गंभीरता से विचार करके निर्णय ले, इसका प्रयास करेंगे। कई बार जो सरकारी तंत्र है ब्यूरोक्रेसी जवाब देने में डिले जवाब आता, कोशिश करूंगा कि व्यवस्थाओं को ठीक करूं, अभी तो मैं मुझे दायित्व तो मिला है, इस सब का अध्ययन करूंगा, लेकिन ये जरूर है कि अधिकारियों को भी पाबंद करेंगे, सही समय पर विधानसभा के लिए जो आवश्यक उनको उत्तर भेजने हैं या अपने ध्यान आकर्षण प्रस्तावों के उत्तर भेजने हैं, प्रश्नों के उत्तर भेजने हैं, सब प्रश्नों का समय पर उत्तर जाए इसकी कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद अरबा, चाय चाय अरे अरबा यही लाओ ना, यही मैडम।
आपने सबसे पहले एक डिसीजन लिया और हमेशा मैं मीडिया के साथ हमेशा मेरी जो पुरानी है मैं फ्रेंडली रहा हूँ, अभी फ्रेंडली रहूंगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।